दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम्स टू आवर माइंड कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म इमोर्टल है और क्या ह्यूमन भी कभी इमोर्टल बन सकता है। इमोर्टल मीन्स एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव फॉरएवर। हमने हमारे ग्रंथों में पढ़ा है कि कुछ देव या राजा अमर हो जाते थे, तो क्या इस सब का कोई साइंटिफिक बेस भी है? क्या कोई ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन रियलिटी में इमोर्टल बन सकता है? तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि ह्यूमन रियलिटी में इमोर्टल बन सके। फॉर फ्यूचर अपडेट्स क्लिक द बेल आइकन एंड डाइव इनटू द एंडलेस ओशन ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन विद इंटेलेक्चुअल। हर ऑर्गेनिज्म की एक एवरेज लाइफ स्पैन होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ कुछ मिनट तक ही सर्वाइव कर पाते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से इस प्लेनेट पे सर्वाइव करते आ रहे हैं। पर क्या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो जब तक चाहे जिंदा रह सकता है? द आंसर इज येस। यू विल बी अमेज्ड बाय हियरिंग दैट देयर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज लिटरली इमॉर्टल, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम है टोरिटॉप्सिस डोर्नी एंड इट इज अ जेलीफिश। फीमेल जेलीफिश ले एग्स एट द सर्फेस ऑफ द सी और वो एग्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्लांट लाइक स्टेज में, जिसको कहते हैं पॉलिप। पॉलिप डेवलप होकर फॉर्म करते हैं मेडूसे, और मेडूसे का ही मतलब होता है जेलीफिश स्टेज। जब ये जेलीफिश हार्श कंडीशन में जाती है या इसे कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है, तो ये सी सरफेस पर जाकर दोबारा पॉलिप स्टेज में चली जाती है। पॉलिप स्टेज एक प्लांट लाइक स्टेज होती है जो कि सी के सरफेस पर होती है। हार्श कंडीशन के चले जाने और इसकी इंजरी के ठीक होने तक ये पॉलिप स्टेज में ही रहती है, और जब इसकी इंजरी हील हो जाती है या जो हार्श कंडीशन पहले थी वो चली जाती हैं, तब ये वापस मेडूसा फॉर्म में आ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांस डिफरेंशिएशन, और ये ऑर्गेनिज्म जितनी बार चाहे इस प्रोसेस को कर सकता है, एंड इट गिव्स द पावर ऑफ इमॉर्टैलिटी। क्योंकि जब भी ये ऑर्गेनिज्म सेनेसेंस की तरफ बढ़ेगा, मतलब ओल्ड होगा, तो ये ऑर्गेनिज्म वापस पॉलिप स्टेज में जाकर और एक नया ऑर्गेनिज्म बन के वापस निकल सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन कैसे इमॉर्टल बन सकता है, एंड द आंसर इज हम इस ट्रांस डिफरेंशिएशन की जीन को ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो ह्यूमन को हील होने की पावर दे सकता है। ऐसी टेक्निक पहले से डेवलप हो चुकी है जिसकी मदद से हम टोरिटॉप्सिस डोर्नी के अंदर से ये ट्रांस डिफरेंशिएशन के जीन को निकाल कर और ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर ह्यूमंस पर इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करना करंटली इलीगल है, लेकिन कंट्रीज लाइक जापान ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स को लीगल करने पर बात कर रही हैं। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट करना एक राइट स्टेप है या नहीं? गिव योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। अ क्वेश्चन अराइज कि क्या इस जेलीफिश की कभी डेथ नहीं होती? वेल, इसका आंसर है नो। ये जेलीफिश साइज में काफ़ी छोटी होती है, इस वजह से ये इजी फूड है प्रीडेटर्स के लिए, एंड किसी डिजीज की वजह से भी इनका लार्ज अमाउंट में वैनिश हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। टेल मी हाउ वाज द वीडियो बाय प्रेसिंग द लाइक और डिसलाइक बटन, एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर नॉलेज जंकी फ्रेंड्स। ऑल्सो सो सम सिंपथी फॉर द बेल आइकन एंड जेंटली टैप इट्स बैक। सी यू सो।